हाय गाइस नमस्ते। हम आपको आप लोगों के लिए कुछ अलग अलग टॉपिक पे, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट पे कुछ वीडियो लेके आते हैं। तो आज का वीडियो जनरल सभी लोगों के लिए थोड़ा टेक्निकल वीडियो है। जैसे कि आप देख पाते हैं कि सोनी के जितने सारे एलईडी और एलसीडी है अभी मार्केट में आए हुए, सारी चीज़ों में सोनी का जनरली फॉल्ट फाइंडिंग ब्लिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। 3 टाइम ब्लिंकिंग, 5 टाइम ब्लिंकिंग, 6 टाइम ब्लिंकिंग, 8 टाइम ब्लिंकिंग, तो एज पर ब्लिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि सोनी ब्रांड में किस डिवीजन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे कि अभी 5 टाइम या 6 टाइम ब्लिंकिंग बैकलाइट का प्रॉब्लम क्रिएट होने से ये वाले ब्लिंकिंग जनरली आती है। कुछ कुछ मॉडल में 5 टाइम होता है, कुछ टाइम में 6 बार होता है। तो एज पर डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल है उसके ऊपर। बट मोस्टली अगर हमें शॉर्टकट में चेक करके देखना है कि हमारे बैकलाइट में इशू है या पैनल में इशू है, या बैकलाइट में इशू है तो हमें टेम्पररी अगर कुछ प्रोडक्ट ऑन करना है या फिर हमें टेस्टिंग करना है कि उसके अलावा कोई इशू है क्या, तो मोस्टली जितने सारे सोनी के बोर्ड है उनका स्ट्रक्चरिंग इस तरह का होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर सोनी में रहता है। ये वाला एडेप्टर वाला मॉडल है, 19.5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। और ये वाला यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वाला बैकलाइट का कनेक्शन है यहाँ पे। और यहाँ के जो निगेटिव है वो इंटरनल अगर हम लोग शॉर्ट कर देते हैं तो मोस्टली हम लोग ये निगेटिव अगर हम लोग 3 पॉइंट शॉर्ट कर दे तो हमें ये डायग्नोस हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि हमारा बैकलाइट सही है या खराब है। कई बार ऐसा होता है ये शॉर्ट करने के बावजूद भी टेस्टिंग मोड पे कुछ टाइम के लिए टीवी ऑन नहीं होता। उसका रीजन ये होता है कि हमारी 60-80% से ज्यादा बैकलाइट इंटरनल खराब हो चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि 20%, 25%, 40% भी अगर बैकलाइट खराब है और हम लोग अगर ये प्रोटेक्शन डायरेक्ट कर देते हैं तो हमारा टीवी ऑन हो जाता है। हम कुछ टाइम के लिए टेस्ट कर सकते हैं कि उसके अलावा कोई और तो इशू नहीं, पैनल पे लाइन तो नहीं है, कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं है टीवी में। बट अगर 60-80% से ज्यादा बैकलाइट हमारी अंदर की खराब हुई रहेगी तो ये वाला प्रोटेक्शन डायरेक्ट करने के बावजूद भी टीवी हमारा ऑन नहीं होगा। और अभी सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है एज अ टेक्नीशियन, कभी कभी कुछ कुछ टेक्नीशियन लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ प्रोडक्शन डायरेक्ट करके क्लाइंट को दे देंगे और उनके पास से कुछ पैसे ले लेंगे कि हमने आपका ये काम किया वो काम किया। पैसे लेने की बात नहीं, ग्राहक के पास से पैसे लेने ही चाहिए। बट मेरे हिसाब से अगर आप लोग इसको प्रोडक्शन डायरेक्ट करके टीवी दे देते हो ग्राहक को, और अगर नेक्स्ट टाइम उसकी पूरी की पूरी बैकलाइट जब खराब हो जाती है तो उस टाइम पे आपका ये वाला डिवीजन भी इंटरनल खराब होता है, तो आपका काम बढ़ जाता है, बोर्ड भी खराब होता है और आप इस बैकलाइट भी आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है सिर्फ ये टेस्टिंग मोड के लिए ही यूज करें, ना कि रिपेयर के लिए। इसके बावजूद भी कुछ अलग अलग टॉपिक के लिए हम लोग आपके पास वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।